हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सगाल, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपका भाई सऊद फिर से आप लोगों का एक न्यू ब्लॉग वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता है। मैं अभी आयत रेजेंसी के पास और रैपिडो से मैंने बाइक बुक कर लिया है और उसी का वेट कर रहा हूँ और आज सीधे यहाँ से निकलने वाला हूँ। आपको बता दूँ, जनेश्वर मिश्रा पार्क मुस्कुराइए, क्योंकि आप अभी नवाबों के शहर लखनऊ में हैं और अभी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क, और इसके बारे में डिटेल में मैं वहाँ पहुँचने के बाद बात करूँगा। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो बने रहे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय। आ चुका हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क के गेट नंबर 1 के पास और ये बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये गेट नंबर 1 है जनेश्वर मिश्रा पार्क का, और मैं चलता हूँ अंदर, फिर अंदर आप लोगों से बात होगी। ओके, तो मैं गेट नंबर 1 के पास से अब निकलने वाला हूँ और कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन जनेश्वर मिश्रा पार्क के बारे में मैं बताऊँगा। और टिकट भी ले लिया है, टिकट प्राइस भी अच्छा है, 10 रुपये टिकट है, वहाँ से मैंने टिकट ले लिया है, मेरे पास टिकट भी आ गया, 10 रुपये टिकट प्राइस है। तो चलते हैं अंदर। ओके, जो रखी हुई है भारतीय सेना की तोप रखी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टैंक को छूना एवं चबूतरे पर चढ़ना सख्त मना है, इसीलिए टच नहीं करूँगा, ऐसे भी टच नहीं करता मैं। तो देखने में एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, पूरा लग रहा है रियल, लेकिन ये डमी है। और बहुत ही ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा गया है, अभी भी साफ दिख रहा है और सफाई का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है जनेश्वर मिश्रा पार्क के अंदर। और हर जगह पे नेचर ही नेचर, एकदम हरियाली ही हरियाली है, हर जगह खूबसूरत नज़ारा ही दिख रहा है और बहुत अच्छा लगता है नेचर देखना स्पेशली मुझे। और हरे भरे पूरा, जहाँ तक देखो वहाँ तक हरे भरे पूरे दिख रहे हैं पार्क, और मज़ा आ रहा है। और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप लोगों को मैं बैक वाले कैमरा से यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ओके, और आप लोग ऐसे ही वीडियो बने रहे, बहुत ही शानदार नज़ारा है, आप लोग भी देखें और हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ में होने का मतलब मुस्कुराना, और स्पेशली नवाबों के शहर, यूपी का जो राजधानी है वो है लखनऊ, आप वहाँ है। और जनेश्वर मिश्रा पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है, और इसको बनवाने में 168 करोड़ रुपये जो कि अपने इंडियन रुपये में है, इतना रुपये खर्च हुआ जो कि बहुत ज़्यादा रुपये होता है। तो आप लोग व्यू देखें और कैसा लग रहा है आपको व्यू, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करें और जनेश्वर मिश्रा पार्क को देखें सऊद के नज़रिए से। ओके बाय। बना हुआ है,
बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के ठीक पीछे एक प्लेन रखा हुआ है जो MiG-21 का डमी रखा हुआ है, और मैं अभी उसको दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। ऐसे बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा है, मैं अभी बैक वाले कैमरे से अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। अब थोड़ा शाम हो गया इवनिंग में, अब थोड़ा और मज़ा आ रहा है। और यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है रात को, जो कि हर जगह लाइट जो लगी होती है और यहाँ की हरे भरे पार्क को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। यहाँ इधर से जहाँ तक देख रहा हूँ वहाँ तक पूरा हरे भरे पेड़ ही दिख रहा है, हरियाली। नेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है पार्क, कहीं के पार्क की सपोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है पार्क में पेड़ पौधे होने चाहिए, जो कि यहाँ की भड़ भर के है, दवा के है, और हरियाली की कोई कमी नहीं है, जो कि सुकून की कोई कमी नहीं। जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ सुकून होंगे। तो ऐसे ही वीडियो बने रहे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बाय। अभी आ चुका हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क के मेन पॉइंट के पास, जहाँ सबसे खूबसूरत जनेश्वर जी का पीछे स्टैचू है, जो कि गोल्डन कलर की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्टैचू। पार्क जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क, इन्हीं के याद में जो पीछे स्ट्रक्चर है, जनेश्वर मिश्रा जी इन्हीं के याद में बनाया गया, जो कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने बनवाया, जो कि 2012 में स्टार्ट किया था बनवाना, और अभी लग रहा है कि सब सेट है, बन चुका है। और ये उनके पापा जो फादर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव है, उनके पापा ने कहा था ये बनवाने को, तो उन्हीं के कहने पे ये बनवाए थे। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहे, मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ, यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा औसम है। ओके, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहे।
fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think मैं जनेश्वर मिश्रा पार्क के बहुत अंदर आ गया, बहुत बड़ा एरिया है, ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि शूट कर पाऊंगा पूरा। और यहाँ का एक और बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी के नेता जनेश्वर मिश्रा पार्क को वर्ल्ड क्लास बनाने में वो लोग लगे हुए हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने के लिए। और सपा के अहम नेता इस धरोहर को, इस पार्क को देखते हैं, जो कि पेरिस से लेकर सिंगापुर का जो वर्ल्ड टूरिस्ट पैलेस है, उस नज़रिया से इसको देखते हैं और इसको बहुत ऊपर ले जाने की उन लोगों की ख्वाहिश है और वो लोग इस ख्वाहिश को पूरा करने में जुटे हुए हैं। और यहाँ ये जो लखनऊ में जितने भी जगह है, जितने भी सारी जगह है, उस जगहों में से पिकनिक पॉइंट के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर जनेश्वर मिश्रा पार्क है और सबसे ज़्यादा क्राउड यहाँ ही होता है पिकनिक पॉइंट के लिए। मतलब लखनऊ में एक से एक जगह है, एक से एक पार्क है, लेकिन जितने भी पिकनिक पॉइंट है उस सब जगहों में सबसे ज़्यादा क्राउड जनेश्वर मिश्रा पार्क में होता है और सबसे ज़्यादा भीड़ होता है पिकनिक पॉइंट के नज़र से। लखनऊ के लोग इसको नंबर वन देते हैं, एक नंबर पे देते हैं और बहुत बड़ा एरिया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा एरिया और इसको कवर करना मुश्किल है, फिर भी मैं जितना होगा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से दिखाऊँगा। और मैं देख रहा हूँ जहाँ भी मुझे व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, तो मैं वहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आप लोग अब बने रहे वीडियो में, बाय। आपका भाई मेहनत कर रहा है, आप लोगों को दिखा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो मैं जब इधर घूम रहा था तो मेरे पीछे एक छोटा सा, इतना क्यूट सा लड़का मिला, जो कि अकेले आया भाई। इस जगह, ये जगह इनको इतना ज़्यादा पसंद है, मेरे छोटे भाई को, कि वो अकेले घूमने के लिए इधर आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा? क्या? मोनू इसका नाम है। और इसको इतना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पार्क, इसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है पार्क ही अकेले घूमने आते। यहाँ से तुम्हारा घर कितना दूर है? कितना दूर, कितना किलोमीटर होगा, कितना देर का रास्ता होगा? दो घंटे का रास्ता। ये लड़का दो, किसी से आया हो? हाँ, ऑटो से आया है लड़का जनेश्वर मिश्रा पार्क में घूमने। और मेरे पीछे घूम रहा था तो मैंने सोचा भाई का वीडियो बना लूँ, क्योंकि इतने दूर से आया है। और यहाँ हमेशा आते हो या पहली बार आए हो? मतलब लड़का हमेशा आता है और आज भी आया। अच्छा लगता है यहाँ घूमना? और यहाँ पे घर वालों को भी लेकर? घर वाले किधर है? अच्छा, घर वाले उधर घूम रहे हैं। अच्छा, और इतना बड़ा एरिया है कि ये अकेले घूम रहा है पूरे में, एकदम तहलका मचा रहा है, मजा आ रहा है ना इधर? हाँ, तो पब्लिक को बोलो कि भाई वीडियो लाइक कर देना, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या वीडियो पसंद है? ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे आते जाते पब्लिक लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सोचता हूँ कि उन लोगों से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करवाऊँ अपने पब्लिक के लिए। और क्योंकि ये लोग जो है यहाँ के नज़दीकी इलाके में रहने वाले हमेशा आते हैं, उन लोगों को ये जगह कैसा लगता है? हम लोग तो पहली बार आए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा ही, लेकिन ये लोग हमेशा आते हैं, तो इन लोग, इनके फैमिली लोग सब पास में रहते हैं लेकिन फिर भी हमेशा आते हैं। मतलब बहुत बड़ा एरिया यार, समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। और टिकट प्राइस भी बहुत अच्छा है, टिकट प्राइस को भी लेके ठीक ठाक है, ₹10 बहुत, अभी के टाइम में ₹10 का कोई अहमियत नहीं है, ₹10 तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते, और उतना यहाँ का टिकट प्राइस है जो कि बहुत अच्छा है। और बातें कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी आपको और भी दिखाता हूँ। ओके। Thank you.
घूमते घूमते इतना अंदर आ गया हूँ कि अब कोई दिख भी नहीं रहे, पूरा अब अंदर सुनसान दिख रहा है। 376 एकड़ मायने रखता है भाई, बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, अब कोई दिख भी नहीं रहा है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। हर जगह रास्ते ही रास्ते हैं, एरिया तो बहुत बड़ा है। 2-3 जगह और है, बच्चों के खेलने की जगह थी और एक दो जगह और थी, मैंने मैप में देखा था, मैंने सोचा वहाँ जाऊँगा फिर वहाँ की भी वीडियो क्लिक करूँगा, बट अभी इधर कोई दिख भी नहीं रहा है और तो देखता हूँ अब इधर कुछ ढूंढता हूँ। आई थिंक इधर क्रिकेट हो रहा है, मैं इधर की थोड़ा वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ और यहीं पर थोड़ा रेस्ट करूँगा। ओके, बहुत देख रहे हो कैसा नज़ारा आ रहा है, तो देख के अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है। इधर क्रिकेट हो रहा है तो आप लोगों को थोड़ा दिखाता हूँ और यहीं पे थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ओके, क्रिकेट हो रहा था तो मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ। जैसे शूट करना स्टार्ट किया उसके बाद छक्का चौका ही जा रहा था, अच्छा खासा टूट रहे थे रन, जो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा सिर्फ छक्के चौके जा रहे थे, सब परेशान हो गए थे। थोड़ा बात हुआ, फिर से घूम फिर के नाच के फिर से आ गया इंडियन फ्लैग के पास। इंडियन फ्लैग के पास घूम के तो आना ही था, आ ही जा तो इतना अट्रैक्शन है उससे। इधर ही घूम रहा हूँ और देखिए, मैं सोच रहा था किधर साउंड है, किधर से आवाज़ आ रही है। यहाँ लगा हुआ है साउंड बॉक्स का कोई सिस्टम है, इधर ही म्यूजिक आ रहा है, हल्का हल्का म्यूजिक जो कि नेचर और जगह को और रोमांटिक बना रहा है। ये म्यूजिक, यहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही है, बहुत प्यारा म्यूजिक, ओनली म्यूजिक, और ज्यादा शानदार लग रहा है। ये क्या यार, क्या मतलब माहौल है इधर का, एक म्यूजिक का जो हल्का हल्का आ रहा है ना साउंड, और वैसा एक साउंड नहीं है, पूरा लाइन से लगाया गया है। जैसे थोड़ा आगे बढ़ो कम होता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ो दूसरा आ जाता है, तो फिर और ज़्यादा आवाज़ आने लगता है। इधर एक और एक आगे है, ऐसे ही लाइन से लगाया गया जो कि और ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और पीछे में एक खम्भे जो लगाए गए हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये खम्भे और अच्छे लग रहे हैं, लाइन से पूरा खम्भा और साथ में साउंड। ये वाला जो साउंड है इसमें थोड़ा कम आवाज़ है, पता नहीं क्यों, शायद कोई प्रॉब्लम है इसमें, इस वाले में इसलिए थोड़ा कम है ऐसे, लेकिन लाइन से लगा अच्छा लग रहा है साउंड। नेचर, चिड़ियों की चहचहाट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये लाइन से खम्भे, मज़ा आ रहा है। कितने भी आप अच्छे जगह पे चले जाए, कितना भी अच्छा लोकेशन हो, कितने भी आपके पास DSLR हो, फ़ोन हो, बट दोस्त लोग नहीं होते तो मज़ा नहीं आता है। आज मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ, इतने सारे मेरे दोस्त हैं कि मैं उनका नाम बोलूँ तो वीडियो ही 10 मिनट का हो जाएगा, तो सभी का नाम नहीं ले पाऊँगा। बट यार सही में आज तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। जब यहाँ आया तो घूम, कितने भी अच्छे जगह पे चले जाओ यार, जब तक दोस्त नहीं होते साथ में घूमने में मज़ा नहीं आता। आप लोग अब वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को, आप लोग भी मुझे मिस करेंगे कि वो उसके साथ रहते मज़ा आता। तो यही है, आप कितने भी अच्छे जगह पे घूम रहे हो लेकिन मज़ा नहीं आता जब तक दोस्त नहीं होते। और बाकी जो मेरे कॉलेज फ्रेंड है सब लोग ड्यूटी पे गए हैं, तो उन लोगों के साथ तो रहता हूँ, तो
वो लोग तो ड्यूटी गए इसलिए वो लोग नहीं आ पाए, और यही है, मिस कर रहा हूँ। मिस यू माई ऑल फ्रेंड। मैं अब घूम घाम के बहुत घूमा, घूम के अब आ गया हूँ मेन गेट पे। मेन गेट पे आ गया हूँ, जो आपको मैंने पहले व्यू दिखाया था, जो कि डमी टैंक है। अभी मैं वहीं पे आ गया हूँ, ये कि मेन गेट है। मैं अब यहाँ से निकलूँगा, जितना मेरे से हुआ मैं उतना कवर किया और उतना आप लोगों को वीडियो दिखाने की कोशिश की। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अभी भी नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि आप लखनऊ में हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए, हाँ एक और बात कहना भूल गया था कि मैं अब वीडियो के अभी लास्ट में फ़ोटो डाल दूंगा जनेश्वर पार्क का, जो कि आसमान से देखने में, ड्रोन से देखने में कैसा लगता है, कितना यूनिक लगता है, पूरा नेचर पूरा हरे हरे कैसा लगता है ये यहाँ का व्यू। तो फोटो डाल दूंगा, दो तीन फोटो, आप देखेंगे कितना ऑसम व्यू लगता है। तो बात ख़त्म और वीडियो होता है ख़त्म।